हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक मौर्या और आज के शुरू में हम बात करेंगे YouTube वीडियो या YouTube चैनल पर कोई रिपोर्ट कर देता है तो उससे क्या होता है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे और YouTube वीडियो या YouTube चैनल पर यदि कोई रिपोर्ट कर देता है तो उससे आपके वीडियो पर या आपके यूट्यूब चैनल पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसे हम कैसे ठीक कर पाते हैं और रिपोर्ट करने की पूरी प्रोसेस क्या होती है, किस प्रकार से लोग रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें, जो आपका वीडियो है या आपका यूट्यूब चैनल है उस पर रिपोर्ट दो तरीके से किया जाता है। एक रिपोर्ट वो लोग करते हैं जो आपकी जो वीडियो चल रहा है या फिर आपका वीडियो ज्यादा चल रहा है, आपके ज्यादा सब्सक्राइबर है, और वो अगला बंदा नहीं चाहता कि आपका वीडियो चले या आपका अर्निंग हो या आप आगे बढ़े, है ना। तो वैसे में वो लोग क्या करते हैं कि आपकी वीडियो पर, आपके चैनल पर गलत रिपोर्ट कर देते हैं, है ना। ऐसे ही बिना किसी गलती के रिपोर्ट कर देते हैं ताकि आप आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा जो रिपोर्ट करते हैं वो तब रिपोर्ट करते हैं जैसे कि आपने वीडियो बनाया है ना, और उसमें आप मिसमैच कर रहे हैं या फिर मतलब कि वीडियो किसी और टॉपिक पे है और आप उस पर टाइटल में कुछ और लिखे हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखे हैं या फिर थंबनेल में कुछ वीडियो कुछ और है और थंबनेल में कुछ और आप दिखाए हैं, है ना, या फिर कुछ गंदा तरीके से वीडियो का जो थंबनेल है उसमें गलत चीज आप दिखाए हैं, है ना। तो इस तरीके का अगर आप कोई वीडियो आप बनाते हैं जिससे पर आपको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, आपके वीडियो को रिपोर्ट करते हैं। अब जो रिपोर्ट करने की जो बात होती है, ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट कोई किया और रिपोर्ट करते के साथ ही आपके वीडियो को डिलीट कर दिया जाए या फिर आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है और रिपोर्ट करने की तरीका जो होती है उसमें भी कुछ रूल्स रहते हैं कि किस तरह से रिपोर्ट किया जाएगा वहां पर और किस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई रिपोर्ट कर दिया और आपका वीडियो डिलीट हो गया या फिर वीडियो आपका चैनल डिलीट हो गया चाहे सस्पेंड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पहले मेल आता है, वो भी आपको 2 से 3 बार आपको मेल आता है और इसके बाद आप गलती करते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ किया जाता है, चाहे वीडियो को डिलीट किया जाता है, चाहे आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक दिया जाता है, चाहे आपके चैनल को सस्पेंड किया जाता है, है ना, कुछ भी किया जाता है। कब? जब आप नहीं मानते हैं तब। पहले वो लोग मेल करते हैं, YouTube की तरफ से मेल आता है, कोई भी बंदा रिपोर्ट करता है। और एक लोग के रिपोर्ट करने से नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई एक लोग रिपोर्ट कर दिया और आपको यहाँ पर मतलब कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर आपके चैनल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा नहीं होता है। वहां पे रिपोर्ट करने वाले कितने यूजर होंगे तब आपके चैनल पर प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में। चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और वहां से आपको सब कुछ आपको लाइव प्रूफ आपको दिखाते हैं किस तरीके से क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, YouTube से रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहते हैं, वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और नए हमारे चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आगे हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ से आप देखिए आपको हम दिखा रहे हैं रिपोर्ट वीडियो, यानी कि यदि आपके वीडियो पर कोई रिपोर्ट करता है तो सबसे पहले अगर कोई रिपोर्ट करने के लिए मतलब कि जाता है रिपोर्ट करने के लिए, रिपोर्ट बटन पर जब वो क्लिक करता है तो उसके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आता है ना, और यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए देता है कि भाई जो वीडियो जिस वीडियो पर आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो किस टाइप का है ना, क्या उसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर दिया गया आपके सामने, सेलेक्ट करके कोई भी रिपोर्ट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उसके करने से आपको कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं। देखिए क्या होता है कि जैसे कि अगर 50 आपका व्यू है, ठीक है, मान लेते हैं अगर 50 व्यू है तो उसमें से ज़्यादा 5-6 लोग ही रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर उसमें प्रॉब्लम है आपके वीडियो में तो, ठीक है। तो उसमें भी अगर कोई रिपोर्ट करता है तो यूट्यूब क्या करता है, सबसे पहले यूट्यूब क्या, अगर जो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, जो यूट्यूब का जो सिस्टम है, वो क्या करता है कि पहले वो चेक करता है, ठीक है, चेक करता है कि जितने लोग रिपोर्ट किए हैं क्या सब लोग एक ही मतलब चीज़ पर रिपोर्ट किए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि स्पाम मिसलीडिंग यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन, तो यदि अगर सब लोग इसी पर कर रहे हैं तो क्या करता है, इसके बाद भी वो क्या करेगा कि जो उसका एल्गोरिदम है, जो उसका स्कैनिंग सिस्टम है, आपके वीडियो को वो स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद वहाँ पे पहले वो चेक करेगा कि सच में ये प्रॉब्लम है,
अगर वो प्रॉब्लम रहता है तो आपको पहले मेल करेगा, है ना, आपको पहले मेल करेगा और उसके बाद उस यदि उस मेल करेगा और प्रॉब्लम है तो उस वीडियो पर वो क्या करेगा कि उस वीडियो को डिलीट कर देगा, ठीक है। और यदि बार बार आप ऐसा ही कर रहे हैं तो आपके चैनल को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। करते हैं जैसे कि चैनल की बात करेंगे, चैनल में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है। यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे इमेज और टाइटल, और क्या होता है कि इमेज और टाइटल पर भी कोई भी रिपोर्ट कर देता है। इमेज का मतलब है जो थंबनेल जो लगाते हैं उस पर, टाइटल का मतलब है टाइटल। इसमें कभी कभी आप देखे होंगे वीडियो जब आप अपलोड किए होंगे यूट्यूब में, बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो देखने को मिले होंगे कि जब आप वीडियो अपलोड किए हैं तो अचानक से क्या होता है कि थंबनेल ही गायब हो जाता है या फिर टाइटल ही गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि आपके जो वीडियो का जो थंबनेल है वो मिसमैच होता है, उसमें कुछ गलत होता है ना। जैसे कि वीडियो में कुछ और दिखाए हैं और थंबनेल में कुछ और लगाए हैं, तो लोग क्या करते हैं कि रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, जैसे मिसलेडिंग का यहाँ पे जिसे रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब रिपोर्ट करते हैं तो एक मतलब कि एक ही चीज़ को लेकर के 10 लोग 5 लोग रिपोर्ट कर दिए, यानी कि वीडियो का परसेंटेज होता है कि जैसे कि 50 लोग देखे हैं, 50 लोगों में 10 लोग रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, और सिर्फ उसी को लेकर के। तो क्या करता है कि अचानक से आपका जो वो थंबनेल है वीडियो का, वो थंबनेल को हटा दिया जाता है यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, या फिर टाइटल में प्रॉब्लम है तो टाइटल को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है, और आपको वहाँ पर आपको एक मेल भी भेज दिया जाता है कि आपने इस तरह का कंटेंट किया है या फिर थंबनेल लगाया है, थंबनेल में आपके प्रॉब्लम है या फिर गुमराह कर रहे हैं लोगों को, इस तरीके से वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो कभी बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर कोई रिपोर्ट कर देता है तो हमारा वीडियो जब डालेंगे तो नहीं चलेगा, है ना। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि जब तो रिपोर्ट हमारा लगता है, कोई रिपोर्ट कर दिया है क्या कि मेरा वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, हम कोई भी वीडियो डाल रहे हैं सिर्फ 10 से 25 व्यू 30 व्यू आ रहा है, इसे ज़्यादा जा ही नहीं रहा है ना, क्या कोई रिपोर्ट कर दिया क्या। तो दोस्तों आपको बता दें, रिपोर्ट करने से ये प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर कोई रिपोर्ट भी कर रहा है तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपका वीडियो नहीं चलेगा, ठीक है। रिपोर्ट अगर कोई करता है तो पहले आपको आप उसके रिपोर्ट को पहले चेक किया जाएगा, यूट्यूब आपके वीडियो को चेक करेगा, आपके चैनल को चेक करेगा, और इतना जल्दी रिपोर्ट को लेकर के वहाँ पर आपके चैनल पर प्रॉब्लम नहीं किया जाता है दोस्तों, ठीक है। रिपोर्ट कोई करता है तो पहले उसकी अच्छे से जाँच की जाती है, अगर रिपोर्ट गलत किया है तो उसके ऊपर ही जो भी कुछ करना होता है यूट्यूब की तरफ से किया जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग कभी भी किसी को भी गलत रिपोर्ट या फिर बेवजह का कोई रिपोर्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। कोई रिपोर्ट कर देता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे? रिपोर्ट जगह यदि कोई कर दिया है तो ऐसे होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। और रही बात आपके चैनल की, तो चैनल पर अगर कोई रिपोर्ट करता है तो चैनल इतना आसानी से सस्पेंड या डिलीट नहीं किया जाता है, ठीक है। और उस पर स्ट्राइक आता है, अगर लगातार 3 स्ट्राइक आ जाता है तब भी आपके चैनल को डिलीट किया जाता है ना, ऐसे डिलीट नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अप्लाई कर दीजिएगा, नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।